कुछ क्वेश्चंस हैं, मे बी इट कैन आस्क डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देखो अभी इलेक्शन का टाइम है ना, सब जानते हैं, तो जितने भी सरकार के द्वारा जितने भी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उठाए गए हैं कदम, उन सबको एक बार अच्छे से थॉरली देखना है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, हर बार ये बना रहता है आयुष्मान भारत या फिर आपकी PMJAI है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपको अधिकतर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में या फिर सब हेडलाइंस में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग या फंडेड हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। देखो जब भारत की बात आती है तो एक दिमाग में एक अलग पॉइंट चलता है, लेकिन जब ये बात आती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, तब थोड़ा सा आपको श्योरिटी ओवर द फैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ ₹2 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तीन तरीके की केयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं कि दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत, कैसे देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत जो है ये एक फ्लैगशिप है, फ्लैगशिप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लॉन्च्ड एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। स्कीम योजना जितनी भी आपकी प्रोग्राम्स होती है उसमें क्या है, एक थीम पता होना चाहिए कि ओवरऑल वो किसके लिए है। बाकी आपको ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यू मस्ट बी नोट डाउन इन योर माइंड कि हाँ भाई ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भाई आयुष्मान किस किस सलाह पे आया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसका मेन एम क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें सभी को हेल्थ की फैसिलिटी मिले, कोई गरीब वंचित ना रह जाए हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ ट्रीटमेंट से, वो एक एम है। डिज़ाइन टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सभी को पता है 17 गोल्स, नहीं पता तो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इसका एम क्या है, एम वही है कि तीनों लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे सभी को केयर देना, एड्रेस करना हेल्थ केयर सिस्टम। इट अडॉप्ट्स अ कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच कंप्राइजिंग ऑफ टू इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, पहला है हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी पे हमारा MCQs बेस्ड है। हेल्थ वेलनेस सेंटर्स क्या है, अब इसमें पूरे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहला लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस करेगा। जितने भी सेंटर्स बनाए जाएंगे 1.5 लाख सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ पे फोकस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। सेकेंड फैक्ट ये है कि ये मैटरनल एंड चाइल्ड, माँ और बच्चा दोनों को हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, और जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो जन्म से हो रही है बीमारियाँ, या फिर आपकी जो फैलने वाली बीमारी नहीं है उसको ये एड्रेस करेगा। फ्री मेडिसिन और डायग्नोस्टिक सर्विस सेंटर हैं ये सारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, बहुत अच्छा स्टेप है जी हाँ। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, ये कब आया, ये 2018-23 सितंबर को लॉन्च होता है। अब फीचर्स पे चलते हैं डायरेक्टली, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या एश्योरेंस स्कीम है, विच इज़ फुल्ली यानी 100% फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। प्रोवाइड्स अ कवरेज ऑफ ₹5 लाख, क्वेश्चन में क्या था ₹2 लाख नहीं 5 लाख हर साल हर फैमिली को, डजेंट मैटर एक परिवार में 2 लोग हैं, 6 लोग हैं, फैमिली साइज कोई मैटर नहीं करता, एक परिवार को 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया जाएगा पर ईयर, बहुत ही अच्छा स्टेप है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, चाहे वो पब्लिक हो या फिर वो आपका प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल इन इंडिया, ठीक है। तो 12 करोड़ लोगों को, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये आपका मेंस में इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्रिएट कर सकता है कि ओवर 12 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल एंटाइटल्ड फैमिलीज, अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ बेनिफिशरीज आर
एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट फीचर है ये कैशलेस है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरीज एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। ठीक है, और उसके बाद आपका ये है कि इसके अंदर 3 दिन तक का कवरेज होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर है, जैसे कि मेडिसिन और डायग्नोस्टिक। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फैमिली साइज, एज और जेंडर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, कि ये एज का इतना लोग होना चाहिए, इतना ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम द डे वन से कवर होगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर क्या होता है? प्राइमरी फोकस करता है प्रिवेंटिव पे, अर्ली केयर पे। सेकेंडरी यानी कि कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। टर्शरी मतलब होता है जो कॉम्प्लेक्स, जितने भी मेडिकल इंटरवेंशन जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिचुएशन हेल्थ की, उसको एड्रेस करता है। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि भैया ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही है, ये 2 लाख कवर नहीं करता, ये तो 5 लाख करता है, हमने अभी देखा। तो सही आंसर होगा ओनली 1, करेक्ट पूछ रहा है ना। इनकरेक्ट पूछता तो ओनली ऑप्शन 2। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, थोड़ा सा इसका ब्रीफ देखिए। ये 2015 में आया था। 17 ग्लोबल गोल्स इस्टेब्लिश हुए हैं। किसने किए? यूनाइटेड नेशंस ने किए हैं। 2030 में एजेंडा है। ठीक है, सस्टेनेबल क्या होता है? कोई भी रिसोर्स, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको सस्टेनेबल तरीके से करनी है। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का, लेकिन अगर वो पॉल्यूशन फैला रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है सपोज, तो पॉल्यूशन की भी तो कॉस्ट लग गई ना। तो आपको इस तरीके से करना है कि आपका फ्यूचर भी सेव रहे, आपके अदर कॉजेज भी ना आए, है ना, आपके रिसोर्सेज का पूरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर देना है, बचा के रखना है। ठीक है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। ओवर करेंगे तो वो चीज़ें आगे जाके पॉल्यूशन जैसी चीज़ों को भी उत्पन्न करेगा। सस्टेनेबल मतलब एक सस्टेन तरीके से आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये आपके सारे 17 गोल्स हैं जिसमें गरीबी हटानी है, हंगर को, भूखमरी को ज़ीरो करना है, गुड हेल्थ एंड ऑल। ठीक है, ये आप एक बार देख सकते हैं, गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी आया था ये। ठीक है, 2024 का पता करना है, लेकिन 24 से पहले ये पूरा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, एक जनरल क्वेश्चन है, यानी कि स्टैटिक भी है और अप्लाइड भी है। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एनुअली सिंस 1972। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स रैंक इन 2024 इन कंपेरिजन टू 2023। ठीक है, चलते हैं। देखो, ये सिंस 2002 से कर रहा है, ना कि 1972 से, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या देखता है, हमारे भारत में या किसी भी कंट्री में कितना फ्रीडम है जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट को, कि वो फ्री स्पीच से बोल रहा है ना। अगर कोई गलत है, कोई अपोजिशन पार्टी या कोई रूलिंग पार्टी, सरकार गलत कर रही है, तो वो फ्री टू स्पीच, मतलब उसके पास वो राइट है। कितना फ्रीडम है किसी कंट्री के पास प्रेस को, यानी जर्नलिस्ट को, ये है आपका प्रेस इंडेक्स, एक रैंक निकाला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके अंदर 5 कैटेगरी है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपका कैटेगराइजेशन है। गुड, अगर 85 से 100 पॉइंट्स है तो वो गुड हुआ, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट क्लासिफाइड नहीं है, वेरी सीरियस यानी माइनस या फिर लेस देन 40 पॉइंट्स है। भारत का स्कोर अगर हम देखें तो ये डिस्पाइट दिस अपवर्ड, अब यहाँ पे देखो 161 रैंक था, अभी कितना हो गया 159, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि भैया हमारे जो रैंक है वो हमारा सुधरा है। इंडिया स्कोर विटेंस आर डिक्लाइन ड्रॉपिंग फ्रॉम दिस एंड स्कोर डिक्रीज अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज एक्सेप्ट द सिक्योरिटी इंडिकेटर। अकॉर्डिंग टू आरएसएफ प्रेस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, 2024 से 9 जर्नलिस्ट, 1 मीडिया वर्कर हैव बीन डिटेन्ड इन इंडिया। ठीक है, देखो स्लाइटली इम्प्रूव तो हुआ है, इसलिए ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये सही है कि इसने अपना रैंक को इम्प्रूव किया है। 161 था 2023 में, 2024 में हुआ 159।
ठीक है, इम्प्रूव हुआ है बट स्टिल प्रॉब्लम्स हैं। सोचिए वन कितना, 159, यानी कि 180 कंट्रीज़ में 159 इज़ नॉट सो मच गुड, ये सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं मीडिया और सेंसर न्यूज़ को रेगुलेट करने के, जैसे कि आपका टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट है, ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2023 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर है वो आज भी बना हुआ है जर्नलिज्म पर, उसको लिमिट करना चाहिए। ग्लोबल स्कोर की बात करें तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनकी पोजीशन 1, 1st, 2nd, 3rd है। एरिट्रिया वॉज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट विद सीरिया जस्ट अहेड ऑफ इट। देखो, हो सकता है यूपीएससी एक पॉइंट पे ये दे दे, हो सकता है, अगर नहीं बट वन डे या फिर आपका पीसीएस पे ये पूछ सकता है सबसे बॉटम पे कौन सा है, सबसे टॉप कौन सा है, सबसे बॉटम कौन सा है और इंडिया का रैंक क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून पर, चांद पर वाटर आइस ये है, प्रेजेंस है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ कंसंट्रेटेड है? लार्ज एक्टिव वॉल्केनोज पे, परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स नियर द पोल्स, द लूनर मारिया, द लूनर हाइलैंड्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। एक एजेंसी है सोफिया ऑब्जर्वेटरी है, नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर की, इन्होंने मिलकर बताया कि क्या होता है, वाटर वेपर डिकम्पोज होता है बाय सनलाइट लिविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लॉस टू आउटर स्पेस। साइंटिस्ट ने ये देखा कि वाटर आइस इन द कोल्ड परमानेंटली शेडो है क्रेटर्स पे, मून के पोल्स पे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लैक बक, ये ब्लैक बक क्यों चर्चा में रहा? अप्रैल 2023, यूपीएससी पिछले 1-2 साल का करंट पूछता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 का पूछेगा, ठीक है। अप्रैल 2023 में क्या हुआ है, जो ब्लैक बक है जो आपका कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड स्थिति में है ना, खतरे की स्थिति में है, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है स्लाइटली। दिस इज़ एन इनिशिएट अचीवमेंट फॉर इंडिया। इंडिया अब इसकी स्टेटमेंट क्या है ये देखना है, ये तो चर्चा में बना हुआ था। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता, क्या ये सही है? आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या भारत में ही सिर्फ ये पाया जाता है? जब वर्ड आ जाता है ना ओनली, तो पे अटेंशन, ठीक है। रेलिवेंस मैंने बता दिया कि भैया ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसे एंटीलोप सर्वी कैप्रा कहते हैं, साइंटिफिक नेम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी स्पीसीज है एंटीलोप की जो भारत की और नेपाल की नेटिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है ना, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई कि ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, नेपाल में भी पाया जाता है। ये डायरूनल एंटीलोप है। डायरूनल क्या होता है, जो मेनली ड्यूरिंग में एक्टिव होता है, नाइट में नहीं, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ये शेड्यूल्ड 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का भारत के अंदर। IUCN स्टेटस देखें तो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। साइट्स में ये अपेंडिक्स 3rd में है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट एनिमल है चीता, के फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही होगी, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और क्या जानेंगे इसके बारे में, इसका हैबिटेट देखें तो ये ग्रासी प्लेन्स में रहता है, थिन फॉरेस्ट एरिया में रहता है। ये स्टेट एनिमल्स भी है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का। बिश्नोई कम्युनिटी जो राजस्थान की है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है टू कंजर्व दिस ब्लैक बक एंड चिंकारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूपीएससी में आस्क। ब्लैक बक्स वर साइटेड इन दी बलूखंद कोनार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दी पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, ये दिखा था। दे हैव नाउ वैनिश्ड फ्रॉम द एरिया, अब नहीं है, ठीक है। कई जगह में ये इनहेबिटेटेड है, जैसे गिर नेशनल पार्क है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काना है, रणथंबोर, रैने बनोर कर्नाटका, ये ब्लैक बक सेंचुरी के नाम से ही फेमस है। वालानाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। थ्रेट्स क्या है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिफोरेस्टेशन, नेचुरल कैलमिटीज एंड इलीगल हंटिंग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस करंट अफेयर्स सीरीज, अर्गेली। अर्गेली क्या है, ये एक एवरग्रीन येलो फ्लावरिक श्रब मिला है अंडमान निकोबार में। स्टेटमेंट ये जो है आपकी
गलत है क्योंकि ये अंडमान निकोबार में नहीं पाया गया, ये हिमालय स्पेशली नेपाल हिमालय में पाया गया है। ये हाई ऑल्टीट्यूड विद मॉडरेट सनशाइन में ग्रो होता है, ठीक है। बाग स्ट्रिप फ्रॉम दिस अर्गली इज़ अ प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ जापानीज येन करेंसी, बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आपका फर्स्ट विल बी द आंसर, ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट माई मोरल, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए आप सभी से। थैंक यू।